hello students we are going to study history of class 9th and today's topic is the outbreak of the revolution this is the topic of the first chapter the french revolution okay in last video we have been discussed about few of the points related with this as you might remember what we have been discussed let's repeat it

तो फ्रांस में रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो ये तो हम लोगों ने डेट पढ़ी थी फोर्टीन जुलाई सेवनटीन को ये स्टार्ट हुआ था आउटब्रेक हुआ था इसका बट इसके पीछे की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्चुअल में हुआ क्या था किंग कैसा था जब राजा किंग जो फ्रांस का था लुइ सिक्सटीन जब वो राजा बना था आप लोगों को याद होगा हमने बताया था कि उस समय फ्रांस का जो ट्रेजरी था दैट वाज एमप वो खाली था फ्रांस का खजाना खाली था तो जब खजाना खाली था तो राजा ने सोचा राजा ने डिसाइड किया कि क्योंकि जो डेली एक्सपेंसेस थे वो नहीं हो पा फुलफिल नहीं हो पा रहे थे तो उस एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए किंग ने डिसाइड किया कि वो टैक्स को इम्पोज करेगा टैक्स बढ़ाएगा जिससे कि कुछ इनकम होगी और फिर सब कुछ सही हो जाएगा आपको एक पॉइंट और भी याद होगा कि, कि किंग के ट्रेजरी के खाली होने के कई कारण हम हमने बताए थे यू माइट रिमेंबर अबाउट दैट सो रिवाइज दैट अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये रिवोल्यूशन का आउटब्रेक क्यों हुआ था ठीक है इसके जब किंग ने जब टैक्स इम्पोज करने की बात कही थी तो जो मिडिल क्लास की इमरजेंस हुआ था उस मिडिल क्लास के लोगों का जो रिएक्शन कैसा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं ओके क्लियर ओके लुई सिक्सटीन की बात करते हैं व्हेन ही प्लान टू इम्पोज द टैक्स जब उसने टैक्स इम्पोज करने का प्लान किया तो आपको हम एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे टैक्स को इम्पोज करने के लिए जो किंग था उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी कैसी मीटिंग एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी किसकी स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी विदाउट स्टेट जनरल मीटिंग ही कांट इम्पोज द टैक्स वो टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता कोई भी चीज़ अगर डिसीजन लेना है बड़े डिसीजन लेने हैं तो उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी अब ये स्टेट जनरल क्या है व्हाट इज़ स्टेट जनरल हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं स्टेट जनरल की बात कर रहे हैं तो स्टेट जनरल जो था हम लोगों ने बात की थी अगर आपको याद हो <coughs> कि फ़्रांस तीन सोसाइटी में डिवाइड था फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट तो तीनों सोसाइटी के मेम्बर रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द फर्स्ट स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेकेंड स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट दे कम इन मीटिंग वो मीटिंग में आते हैं वही लोग स्टेट जनरल फॉर्म वही उन्हीं लोगों को स्टेट जनरल बोला जाता है स्टेट जनरल की मीटिंग में किंग होता है ठीक है फर्स्ट स्टेट के लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेकेंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे स्टेट जनरल बोला जाता है क्लियर जहाँ पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और खुद किंग होता है और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहेंगे ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई लुई सिक्सटीन ने बुलाई इस बार ये लास्ट मीटिंग जब हेल्ड हुई थी ये मीटिंग हुई थी सिक्सटीन फोटीन में लास्ट मीटिंग ये कब हेल्ड हुई थी सिक्सटीन फोर्टीन में अब इस बार कब हेल्ड होने जा रही है पता है आपको अब रिवोल्यूशन की डेट तो याद होगी आपको फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन तो रिवोल्यूशन के पहले मीटिंग बुलाई गई थी चलिए देख लेते हैं कब बुलाई गई मीटिंग मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑन फिफ्थ में सेवेंटीन एट्टी नाइन नाउ द लुईसटीन कॉल द मीटिंग ऑन फिफ्थ में सेवनटीन एट्टी नाइन कब बुलाई पाँच मई सत्रह सौ नवासी आप इस डेट को रिलेट कर सकते हैं मई के बाद जून आता है जून के बाद जुलाई जुलाई फोर्टीन जुलाई को रिवोल्यूशन हुआ था ठीक है तो मीटिंग कब बुलाई गई पाँच मई को आप इससे आप रिलेट करके टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लियर इसलिए जो भी पिछला वीडियो आपने देखा है जो पढ़ा है उसको आप भूलिएगा नहीं उसको रिवाइज करते चलिएगा जिससे आप रिलेट करेंगे टॉपिक को तो आपको आसानी से समझ में आएगा क्लियर तो 14 जुलाई को रिवोल्यूशन हुआ था और मीटिंग अब यहाँ पर बुलाई गई है फिफ्थ मे को यानी जब मीटिंग होगी उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होंगी तब जाकर के क्या होगा आउटब्रेक होगा किसका रिवोल्यूशन का क्लियर तो फिफ्थ मे को जब मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल की तो वहां पर किस चीज़ का प्रपोजल रखा गया प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस न्यू टैक्स का प्रपोजल रखा गया जिसमें कि थ्री हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट जिसमें कि थ्री हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के होते थे यानी फर्स्ट स्टेट के भी थ्री हंड्रेड और सेकेंड स्टेट के भी थ्री हंड्रेड और जो थर्ड स्टेट था उसके सिक्स हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे इसका कारण क्या है क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी इस वजह से सिक्स हंड्रेड रिप्रजेंटेटिव उसके थे फर्स्ट स्टेट के थ्री हंड्रेड सेकेंड स्टेट के थ्री हंड्रेड और आपको एक चीज़ और याद होगी कि हमने बताया था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं पे करना होता था कौन टैक्स पेयर थे ओनली थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे क्लियर अब यहाँ पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मीटिंग में स्टेट जनरल की मीटिंग में और यहाँ पर आप असेंबली हॉल देख सकते हैं एक पिक्चर है यहाँ पे जिसमें फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट ओके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मीटिंग में बैठने की परमिशन थी ये लोग बैठते थे बट थर्ड स्टेट के लोग खड़े रहते थे दे वर स्टैंडिंग ओनली दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन द मीटिंग इन लोग को मीटिंग में बैठने की अनुमति नहीं थी थर्ड स्टेट के लोग खड़े रहते थे क्लियर तो ये मीटिंग हॉल है यहाँ पर किंग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट दोजू वर स्टैंडिंग क्लियर सो मीटिंग में क्या प्रपोजल रखा गया टैक्स को बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया लेकिन जब भी मीटिंग होती थी उस समय मीटिंग का जो एक सिस्टम था क्या सिस्टम था वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट ये सिस्टम था उस समय कि मीटिंग में जो वोटिंग सिस्टम था वो हर एक स्टेट के पास एक वोटिंग सिस्टम था एक स्टेट एक वोट कर सकता था ये चीज़ थर्ड स्टेट के लोगों को पसंद नहीं थी पसंद क्यों नहीं थी क्योंकि टैक्स पेयर कौन थे सिर्फ केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स पे नहीं करते थे तो इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने मांग रखी थर्ड स्टेट में कौन लोग थे रिप्रेजेंटेटिव पता है आपको थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वही लोग थे जो मिडिल क्लास के रिच पर्सनस हुआ करते थे जो जो इमरजेंस हुआ था मिडिल क्लास में जो कुछ रिच लोगों का वही लोग थे ये रिप्रेजेंटेटिव उनका रोल अदा कर रहे थे यहाँ पर ठीक है तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी डिमांड रखी क्या डिमांड रखी जो पहले सिस्टम था वन स्टेट वन वोट का इन लोगों ने इसके प्लेस पर डिमांड रखी वन मेंबर वन वोट यानी कि असेंबली ये जो मीटिंग ये जो प्लेस है यहाँ पर जितने भी हर एक स्टेट से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए ठीक है एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए क्लियर ये डिमांड रखी किसने थर्ड स्टेट के लोगों ने यानी कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने और आपको एक चीज़ और बता दें जब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे क्योंकि ये थर्ड स्टेट के रिच पर्सन ही आए थे इसमें जो लॉयर होते थे या बिजनेसमैन होते थे क्योंकि यहाँ पर पेजेंट्स वुमेंस लेबर्स इन सबको अलाउड नहीं था ये लोग अलाउड नहीं थे यहाँ पर तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे अपने साथ फोर्टी लेटर लेकर के आए थे फोर्टी लेटर लेकर के आए थे ये लेटर किसके थे ये फोर्टी लेटर किसके थे ये पत्र उनके थे जो किसान लोग थे जैसे पेजेंट्स थे वुमेन थे कुछ लैंडलेस ले, लेबर थे लेबर लोग थे ये उन लोगों की समस्याएं थी उसमें प्रॉब्लम्स थी उसमें लिखी हुई थी जो ये रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर के आए थे ठीक है और इन्होंने अपनी डिमांड रखी किस कैसी डिमांड रखी कि वन मेंबर वन वोट शुड बी देयर देन अब ये वन मेंबर वन वोट की जो डिमांड थी ये इनके दिमाग में आई कहाँ से थी थर्ड स्टेट के लोगों के हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस डिस्कस किया था रोल ऑफ फिलासफ़र्स के बारे में तो उसमें एक फ़िलासफर के बारे में डिस्कस किया था रूसो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में रूसो जिन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उन्होंने एक मिसाल दी थी क्या दी थी क्या लिखा था कि जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा यानी कि जैसे कि ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर वन वोट वन मेंबर वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए ठीक है ये सिस्टम इन्होंने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया था इसी के जरिए इन्होंने सब लोगों तक यानी स्प्रेड किया ये मैसेज ये ये इनकी जो बातें इनके जो थाट्स थे इनका जो ओपिनियन था इसको लोगों तक पहुँचाया था इसी वजह से इन लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये वन स्टेट वन वोट की जगह वन मेंबर वन वोट होना चाहिए क्लियर गॉट इट अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं कि अब ये जो सिस्टम चला वोटिंग का तो राजा का सिस्टम तो किंग को, किंग का सिस्टम तो वन स्टेट वन वोट का था लेकिन जब इन लोगों ने अपनी डिमांड रखी तो राजा ने इस प्रपोजल को किंग ने डिनाई कर दिया किंग ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया जब किंग ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया <coughs> तो ये थर्ड स्टेट के लोग जो वहां पर मीटिंग में मौजूद थे रिप्रेजेंटेटिव्स जितने थे ये लोग सभा छोड़कर चले गए मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए मीटिंग को अवॉइड कर दिया डिनाई कर दिया कि वो लोग मीटिंग को बहिष्कार करते हैं मीटिंग का बहिष्कार करते हुए बाहर चले गए ठीक है क्योंकि इन लोगों ने इक्वल वोटिंग की मांग की थी एंड किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल राजा ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया अब ये जब रिजेक्ट कर दिया तो ये लोग वहाँ से निकल कर के बाहर चले गए और बाहर जा के वहाँ वर्साइल जो राजा का महल था उसके अंदर एक टेनिस कोर्ट था टेनिस कोर्ट जहाँ पर टेनिस खेला जाता है तो टेनिस कोर्ट में ये लोग जा कर के इकट्ठा हो गए थर्ड स्टेट के लोग जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब लोग वहाँ पर जा कर के इकट्ठा हो गए और अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया क्या डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली वो लोग अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किए का बीस जून को अब ये सारी चीज़ें घटना हो रही थी उसके बाद ही उन्होंने ऐसा चीज़ें कलेक्ट करते करते ही बीस जून को वहाँ पर इन लोगों ने अपने आप को जितने भी, भी भीड़ थी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव लोग थे उन सबको मिला कर के इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पर एक ओथ लिया यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं सब लोग ओथ ले रहे हैं ठीक है टेनिस कोर्ट है यहाँ पर ओथ एक शपथ ले रहे हैं कैसी शपथ ले रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक कि हम लोग एक नया संविधान नहीं बना देते ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं बना देते तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे हम लोग नहीं जाएंगे ठीक है और ये असेंबली भंग नहीं होगी ये जो असेंबली इन्होंने फॉर्म की है ये भंग नहीं होगी क्लियर ये वो, ये वोथ लिया इन लोगों ने यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों ने और ये जो कर रहे थे इसका जो लीडरशिप था ये कौन कर रहा था इसको लीड कौन कर रहा था इसको इस पूरे इस भीड़ को कौन लीड कर रहा था यहाँ पर हम बात करेंगे दो लोगों की मीरा ब्यू एंड एबेसियस मीरा ब्यू जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता आप सोचिए थर्ड स्टेट के लोग थे ये लेकिन ये मीरा ब्यू सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता था जो कि था नोबेल फैमिली कहाँ किस फैमिली से बिलोंग करता था नोबेलिटी से किससे नोबेलिटी से बिलोंग करता था लेकिन इसको ऐसे समाज ऐसे समाज वाला देश पसंद नहीं था जहाँ पर सामंती व्यवस्था हो जहाँ पर फ्यूडल सोसाइटी हो फ्यूडल सोसाइटी इसको पसंद नहीं थी इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ रहा था उनके हक के बारे में बात कहते इसने बहुत बड़ी स्पीच भी दी थी वहाँ पर खड़े होकर के जिससे लोगों ने सुना काफ़ी प्रभावित हुए थे लोग और दूसरा नाम आता है यहाँ पर एब का एब जो कि फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था यानी कि क्लर्जी से ये बिलोंग करता था क्लर्जी से ये भी थर्ड स्टेट का नहीं था ये भी थर्ड स्टेट का नहीं ये सेकंड स्टेट और ये फर्स्ट स्टेट ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था जिसे क्लर्जी कहते हैं और इन्होंने इसने एक थर्ड स्टेट के लिए एक एक पेम्पलेट बनाया पैम्पलेट लिखा पैम्पलेट में लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट की कुछ विशेषताओं के बारे में उसने बताया था कि एक्चुअल में थर्ड स्टेट है क्या एक्चुअल में थर्ड स्टेट है क्या इसके बारे में उसने कुछ चीजें बताई थी क्लियर तो ये तो लीड कर रहे थे मीरा ब्यू एब ये लोग लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को जो कि टेनिस कोर्ट में ओथ ले रही थी क्लियर किस चीज़ का कि जब तक हम संविधान बना नहीं लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे क्लियर कॉट इट चलिए नेशनल असेंबली कब फॉर्म हुई ट्वेंटी जून को चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं <laughs> ओके अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं जैसे नेशनल असेंबली के बारे में डिस्कशन हो रहा है कहां पर वर्साइल में यानी टेनिस कोर्ट पर जब ये सारी घटनाएं हो रही थी फ्रांस में जब ये सारा चीजें हो रहा था उस समय क्या हुआ वैल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल जब नेशनल असेंबली वर्साइल में बिजी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी वहाँ पर एक संविधान बनाया जा रहा था देन फ्रांस वॉज इन टर्मोइल फ्रांस क्या था फ्रांस में उस समय आतंक मचा हुआ था लोग उसमें पूरे जैसे कि हम लोगों ने चौदह जुलाई की घटना सुनी थी फ्रांस उस समय एक आतंक मचा हुआ था लोग लड़ झगड़ रहे थे खाने के लिए तरस रहे थे बहुत एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था फ्रांस ठीक है अब ये समय था फ्रांस में हार्स विंटर का उस समय बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी ठीक है पाले पड़ रहे थे जिसे कहते हैं ठीक है तो उसकी वजह से हार्स विंटर की वजह से हार्वेस्ट भी नहीं हुई थी यानी कि बहुत अच्छी फसल नहीं हुई थी पुअर हार्वेस्ट हुआ यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ किसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से पुअर हार्वेस्ट हुई यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम हुआ और जैसा कि हम लोगों ने पीछे पीछे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई थी थर्ट ट्वेंटी थ्री मिलियन से ट्वेंटी एट मिलियन हो गई थी जिससे प्रोडक्शन यानी डिमांड भी बढ़ गई थी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था लोग अपने खाने खाने को चीज़ें नहीं जुटा पा रहे थे ब्रेड वहाँ का जो कि स्टेपल फूड है मुख्य भोजन था वो नहीं मिल पा रहा था लोगों को तो इस वजह से पूरे कंट्री में क्राइसिस हो गई थी जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो पूरे कंट्री में कैसी सिचुएशन हो गई थी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन हो गई थी यानी कि लोग अपने दो टाइम का यानी कि भोजन भी नहीं जुटा पा रहे थे दिस सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन होल द कंट्री ऐसी सिचुएशन हो गई थी पूरे कंट्री में उस समय ठीक है गॉट इट तब ऐसी सिचुएशन को देखते हुए राजा ने क्या किया राजा ने देखा कि पूरे फ्रांस में ये सारी सिचुएशन फैली हुई लोग बाजार में मार्केट में ब्रेड खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए भीड़ लगाए भाई प्रोडक्शन कम था डिमांड ज़्यादा थी तो लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था सामान तो लोग लाइन लगा करके भीड़ बहुत लंबी लंबी लाइन लगा करके आपस में लड़ झगड़ करके कैसे कैसे करके ब्रेड अचीव कर पा रहे थे ब्रेड ले पा रहे थे तो जो पैसे वाले लोग थे उनको मिल जा रहा था जो लोग नहीं पैसे वाले थे नहीं मिल पा रहा था तो काफ़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन बनी हुई थी तो उस समय राजा ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने ट्रूप को पेरिस की ओर यानी सिटी की ओर भेजा ऑर्डर किया कि शहर की ओर जाओ ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए लेकिन उस समय क्या हुआ हमने आपको याद होगा हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस कर पहले ही बिगनिंग के चैप्टर के बिगनिंग में हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था कि जब राजा ने ऑर्डर किया अपनी आर्मी को मूव करने के लिए शहर की ओर तो लोगों ने क्या सोचा लोगों को ये लगा कि ये राजा ने अपनी आर्मी को भेजा हम लोगों को मारने के लिए तो लोग उस समय एजिटेटेड हो गए गुस्से में लोग भीड़ जो भीड़ थी वो एक तो भूखी थी भूखे प्यासे लोग उनको खाने को नहीं मिल रहा था तो राजा ने ऐसी अपनी आर्मी भेज दी इधर शहर की ओर तो लोग गुस्से में अब क्या किए जो बेस्टिल का जो किला था बेस्टिल बेस्टिल फोर्ट था उसको तोड़ डाला नष्ट कर नष्ट कर दिया ठीक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि उसको नष्ट करके वहाँ पे जितने भी वेपन्स थे निकाल लिए आर्मी से लड़ने के लिए ठीक है तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई कब ये एक हुई कब फोर्टीन जुलाई सेवनटीन जो कि हम लोग पहले ही चैप्टर के बिगनिंग में डिस्कस किए थे कि ये बैस्टाइल की घटना कब हुई थी 14 जुलाई 1789 एट्टी नाइन ये आ गया आपका अभी जो कि हम लोग बिगनिंग में डिस्कस कर रहे थे ये कैसे हुआ सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई जब राजा ने अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजा क्यों भेजा क्योंकि उस समय लोग क्राइसिस हो चुकी थी पूरे फ्रांस में लोग अपने भोजन के लिए ब्रेड के लिए परेशान थे क्राइसिस मची हुई थी क्लियर गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के आगे तो जब ये तो कंट्री साइड ये तो सिटी की बात हो गई अब गांव में यानी कंट्री साइड में क्या सिचुएशन थी उसी समय तो कंट्री साइड में क्या था कि कंट्री साइड में लोगों को पता चला कि ये सारी सिचुएशन हो रही तो लोगों ने कंट्री साइड में क्या था कि जो पीजेंट थे वहाँ के लोग जो लेबर लोग थे वहाँ के जो किसान लोग थे उन लोगों को भी डर हो गया किस चीज़ का डर क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को लगा कि जो राजा के जो मैनर लोग हैं मैनर का मतलब था कि जो जो राजा के जो बड़े ज़मींदार हुआ करते थे जो ज़मींदार के किलों में रहने वाले उनके लोग ठीक है जो गांव के पास बड़े बड़े किले बने रहा करते थे तो उस किले में रहने वाले लोग जो होते थे उनको मैनोर बोला करते थे तो ये लोग इनको लगा गांव के लोगों को किसानों को कि ये जो मैनौर के लोग हैं इन पर अटैक करने आ रहे हैं ठीक है किस पर किसानों पर इनकी फसल को नष्ट करने आ रहे हैं इनकी फसल को जलाने के लिए आ रहे हैं ये सब नष्ट कर देंगे तो ये ऐसा डर बन गया तो गाँव के लोगों ने क्या किया किसानों ने क्या किया ये लोग जो किले बने होते थे गाँव में चैट्यू जिसे कहते थे क्या बोलते थे चैट्यू जो कि गांव के जो किले हुआ करते थे उनको चैट्यू बोला जाता था तो उस पर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया ग्रामीण किलों पर ठीक है और वहाँ पर जितने भी भंडार थे जितने भी अनाज का सामान जो भी चीज़ें थी सबको लूट लिया और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर सबको जला करके राख कर दिया तो ये सारी सिचुएशन हुई कहाँ पर कंट्री साइड में और जो जो वहाँ के जो चैट्यू में रहने वाले जो जमींदार लोग थे जो किंग के जो रिलेटिव या कह सकते हैं या जो भी बड़े पोस्ट के लोग थे वो लोग वहाँ से अपनी जितने भी चीज़ें थी जितने भी उनकी संपत्ति थी सबको छोड़कर भाग गए यहाँ तक कि कुछ लोग तो पड़ोसी देश में जा कर के शरण ले लिए ठीक है पास की कंट्री में ओके ये सारी सिचुएशन पूरे फ्रांस में ऐसी हो गई तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए तो राजा को ये लगा कि अब उसके जो कंट्री के लोग हैं जो पीपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं इस समय पूरी कंट्री एक समय पूरा एक एक ऐसी टर्मोइल कंडीशन हो गई थी कि उसको हैंडल करना राजा के कंट्रोल में नहीं था तो राजा ने क्या डिसाइड किया लुईसटीन रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको लुइस ने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है जो नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही थी वहां पर वर्सायल में टेनिस कोर्ट पर उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको लुइस सिक्सटीन ने एक्सेप्ट कर लिया क्या कर लिया इसको एक्सेप्ट कर लिया कब एक्सेप्ट किया ऑन फोर्थ अगस्त डेट याद रखिएगा आप लोग ठीक और जब ये एक्सेप्ट करने के बाद असेंबली ने क्या किया एक डिग्री पास की इसी दिन क्या एक डिग्री पास किया फोर्थ अगस्त सेवनटीन एट्टी नाइन को डिग्री का मतलब एक एक ऐसा आदेश पारित किया ठीक है कि एक ऐसा आदेश पारित किया जिस पे ये राजा की पावर कम होगी ठीक है इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया एक आदेश पारित किया गया कि राजा की पावर इसमें कम होगी और जो क्लर्जी के लोग को जो प्रिवलेजेस मिले हुए थे उनके प्रिवलीजेस भी कम होंगे ठीक है उनके प्रिवेलेजेस ख़त्म हो जाएंगे और जो ये टैक्स सिस्टम था टीथे वॉज एबॉलिस्ड एंड द पावर्स वर टेकन फ्रॉम द क्लर्जी जो क्लर्जी के पास पावर थी उसको ले लिया जाएगा और जो टीथे टैक्स था जिसमें अपने किसान जिसमें थर्ड स्टेट के लोगों को जो किसान लोग थे इसमें टेन परसेंट अपना देना पड़ता था क्लर्जी लोगों को वो भी नहीं देना पड़ेगा दिस डिग्री वॉज पासड ऑन फोर्थ अगस्त सेवनटीन एट्टी नाइन ये सारी सिचुएसन हुई और सारे जितने भी टिथे टिथे जो कि रिलीजियस टैक्स भी हम लोग कहते हैं उसको एबॉलिस कर दिया गया और जितने भी इन लोग की ज़मीन थी जो क्लर्जी के पास कब्जा थी जो क्लर्जी लोगों ने अपना उस पर अपना अधिकार जमा रखा था उसको भी ले लिया गया ठीक है सरकार के पास जो लगभग करीब ट्वेंटी अरब लिबरे की जो भी उनके पास संपत्ति थी उसको भी अपने हाथ में ले लिया नेशनल असेंबली ने तो अब ये नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा का जो पावर थी किंग का जो डिस्पोटिक पावर था यहाँ पर कम होता है यानी एक प्रकार से खत्म होता है और आगे देखते हैं फिर इसी के अकॉर्डिंग हम कि अब आगे का सिचुएशन फ्रांस में कैसी होती है यानी कि अब फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनता है अब फ्रांस कैसे बनेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हाउ अ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो यहाँ तक आपने जितना पढ़ा है जितना सुना है समझा है उसको एक प्रॉपर नोट्स में तैयार कर लीजिएगा पॉइंट वाइज ठीक है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इसमें डेट याद कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके पास स्कूल की वेबसाइट में असाइनमेंट जा रहा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपको उस वहाँ पर मिल जाएंगे आप उस असाइनमेंट क्वेश्चन को इसको वीडियो को देख करके पढ़ के समझ करके सॉल्व कर सकते हैं क्लियर ओके थैंक यू बाय